मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब हम जाने वाले हैं अपने घर में। फाइनली वो टाइम आ गया। ये और ये हम रखेंगे, सबसे पहले राइट लेग रखो। यस गुड। मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टाइम फ्लैट की हालत है कैसी और हम कहाँ पर अभी सोने वाले हैं। ठीक है, आज हमारी फर्स्ट नाइट है यहाँ पे और हमारी फर्स्ट नाइट पर ही इतनी तगड़ी लड़ाई हुई है। Hi guys, welcome back to our channel, Jai Shri Krishna. तो आज का vlog is gonna be very special क्योंकि आज हम पहली रात हमारे घर में बिताने वाले हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं वापस चंडीगढ़, मतलब मोहाली वापस जा रहे हैं। अभी तो लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसको समझाना बिल्कुल भी नहीं आता। सच पूछिए तो आप कर तो रहे हैं, तो इस दुनिया की सबसे बैड टीचर है। पहली रात अपने घर में बिता रहे हैं चंडीगढ़। कोई सेंसेस बात की? अरे मोहाली वाले, तो उन्हें क्या बोला? तो नहीं बोला आपने? मैंने बोला नहीं अभी हम मोहाली जा रहे हैं। हाँ, तो फिर अच्छे से समझाओ सबको। मैं समझाता हूँ गाइस, हम पहली रात अपने नए घर में बिताने वाले हैं। ठीक है, समझिए। लेकिन अभी कैसी बीतने वाली है वो रात, वो हमें भी नहीं पता क्योंकि वहाँ पर अभी कुछ भी सेटअप नहीं हुआ हुआ है। कुछ है ही नहीं, खाली है, पत्थर पे सोएंगे। हम आपको जाके दिखाएंगे कि कैसे हम एक रूम में पूरा का पूरा सामान भर कर आए हुए हैं और अब हम बात करेंगे वहाँ पे सोसाइटी वालों से कि एटलीस्ट आप हमारे बाकी के रूम्स क्लीन करवा दो कि हम वहाँ पर गद्दा डाल के आज सो पाए और कल से हम अपनी सेटिंग स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे करना है सब कुछ। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब हम जाने वाले हैं अपने घर में। फाइनली वो टाइम आ गया। ये मोमेंट है भाई, मोमेंट है। तू क्यों नहीं एक्साइटेड हो रहा है? एक्साइटेड क्या है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, नाचना शुरू कर दूँ क्या सामने बुड्ढे को उड़ा दूँ क्या? एक्साइटमेंट शो करना, ऐसे नहीं होती। मैं मन में खुश होता हूँ, मन में खुश होता। मेरी बात नहीं मानेगा, कर ले। ये बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इसके बस की नहीं है। अभी हम गए थे मम्मी की नर्सरी पे उनसे चाबी लेने के लिए क्योंकि घर ये वाला लॉक है। अभी हम खोलेंगे घर, अपना सामान उठाएंगे, रियो से मिलूंगी क्योंकि पता नहीं कितने दिन तक मैं रियो से भी नहीं मिल पाऊंगी और उसके बाद हम जाएंगे। कितना बोर कर रही है यार ये औरत। बाय गाइस। खोल दो बच्चे को, पट्टा लगा के खोलो, फिर ये पकड़ में नहीं आएगा आपके। ले अब देखो कैसे निकलेगा, अब देखना, अब तू देख, अब तू देख। हेलो रियो, कैसे लग रहा? चलो इसको सुसु कराए। देखो हमें लेट हो रहा है और ये भाई साहब यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है इसकी। इधर वाले एंगल से ले लेती हूँ, कितना लाइट नहीं आ रही थी। हेल्दी खा रहा हूँ, ये नहीं दिख रहा आपको? ये हेल्दी है क्या? ये पीनट बटर, ये पीनट बटर है, ये है बिस्कॉफ। कितना झूठा इंसान भाई, इनको मीठा पसंद है ना, एक बार खा के देखना मजा आ जाएगा। तो भाई आप सबको एक छोटी सी चीज दिखाऊं, हमारा जो रियो है वो इतना भूखा, शायद आप भी उतने भूखे नहीं हो, मैं भी उतना भूखा नहीं हूँ, कोई इतना भूखा नहीं। आप तो हो, मेरे से भी ज्यादा है वो, बट हाँ, मतलब आपके आसपास ही है। 19-20 का ही तो फर्क है। एक्चुअली ब्रेड का बहुत ज्यादा शौकीन है, इतना ज्यादा शौकीन है कि जितने शायद आप लोग गुलाब जामुन, छोले भटूरे, मोमोज इतना पसंद है उसको, लेकिन उससे भी ये ज्यादा सब पसंद चीजों है। का ही शौकीन है, ऐसा नहीं सिर्फ ब्रेड का नहीं। ब्रेड का बहुत ज्यादा है और इसका मैं प्रमाण आप सबको अभी शो करूंगा। मेरे हाथ में ब्रेड है गाइस और मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा, रियो की तरफ, और मैं उसके पास जा रहा हूँ, सिर्फ उसका मुंह देखते रहना, कर दो फोकस उस पर और बस देखते रहना, इसकी जीभ पे फोकस कर, इसकी जीभ पे फोकस कर, इसकी जीभ पे फोकस कर। कैसे देख रहे तेरे ध्यान से? अब इसकी देखना, पानी टपकेगा बेचारे को, कितना परेशान कर रखा है शिवम तूने। इसके मुंह में इतना पानी आ रहा है, अरे कैसे लपक के लेगा, उसे पता चल गया कि उसके लिए आई है ये। कैसे बैठ गया नोना बेबी की तरह? कैच, ये बेबी। हाय हाय, चल दे दे उसे, पूरी दे दे, खाता रहे।
तो वी आर ऑन द वे टू चंडीगढ़ और हमारी गाड़ी आप देख सकते हो कैसे पैक्ड। हम कभी खाली गाड़ी जाते ही नहीं है, हम हमेशा हमारी गाड़ी इतनी भरी हुई होती है ना। हमारी 5-सीटर कार है लेकिन 5-सीटर कार में शायद हम मैक्सिमम 3 लोग ही फिट हो पाते हैं हमेशा, क्योंकि और किसी के लिए जगह हम छोड़ते नहीं है। और आज का दिन इतना अच्छा है, ये ब्लॉग भले ही बाद में डलेगा, आज दशहरा है और हम अपने नए घर में पहली अरे कहना क्या चाहते हो बार ऐसे ऑफिशियली वहाँ पे एक नाइट स्पेंड करने वाले हैं हम। तो ये हमारे लिए कितना अच्छा दिन है, आज दशहरे का दिन है, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, लेकिन हम दशहरा सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे कुछ रीजंस की वजह से भी, कुछ ट्रैवलिंग की वजह से भी, और बस इतनी सी बात है। बट मैं इस चीज के लिए बहुत खुश हूं। किससे? तुमसे और तुमसे भी, अगर तुम मेरे टाइप की हो। देख क्यों करती है, ना लिया करना पंगे फिर बाबू, कितनी जोर से लगी है। मत लिया करना पंगे फिर बाबू, तो खुद मेरे को मारती है, फिर खुद को लग जाती है। छोड़ो अब तो तुमने मुझे मार दिया। गाइस सॉरी, आज मैं शायद आपको थोड़ा सा कम स्मार्ट लग रहा हूँ क्योंकि मैंने शेव वेव नहीं कर रखी। स्मार्ट तो हमेशा लगता, कम स्मार्ट लग रहा हूँ, थोड़ा बोंदू वाला स्मार्ट लग रहा हूँ क्योंकि मैंने हेयर कट नहीं करवाया 2 महीने से और मैंने शेव भी नहीं करी हुई। बट फिर भी गर्ल्स मैं आपको बता दूं, जब मैं ये सब ग्रूमिंग कर लूंगा तो मैं वैसा ही स्मार्ट दिखूंगा, तो आप सब मेरे पल्लू को छोड़े ना, पल्लू मतलब आप सब मेरा पीछा छोड़े ना और मेरे पीछे लगी रहे। ओके गाइस, इसने मुझे इतना पका दिया गाड़ी में, पता नहीं किसका वो लेक्चर सा सुना रहा है, मोटिवेशनल स्पीच, और ये सब सुन के ना मुझे नींद आने लग जाती है। मैं तो एक मस्त आधे घंटे की नींद लेके अभी उठी और हम अभी तक नहीं पहुंचे। हम बीच में अपने एक रिलेटिव के घर पे भी रुक गए थे तो हमारे को वहां पे भी टाइम लग गया, और अभी भी 1 घंटा दिखा रहा है हमारे को चंडीगढ़ पहुंचने का। तो मतलब हम 9:30 बजे पहुंचेंगे रात में। सो स्लो, एक तो ये गाड़ी नहीं चलाता, ये गाड़ी की जगह बैलगाड़ी चलाता है, इतना धीरे धीरे चलाता है, इतना धीरे धीरे बस। तेरे बस का नहीं है, तू रहन दे, तेरे ट्रक का है, तू रहन दे, तेरे बस का तो नहीं है, अब तू कर। मैं तो कर नहीं, मेरे को तो गाड़ी चलानी है, मेरे को मुंह उधर कर नहीं सकता मैं, सॉरी। ठीक है फिर हट, अबे चल। पहले मैंने मांगी थी। ओ पागल, ट्रक वाला देख के फीलिंग ले रहा था। मेरी किसी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, मैं उधर मुंह नहीं कर सकता। अबे कैसे मुंह इधर आ गया था जब मैं कर रही थी? ऐसे था ना, ऐसे तो नहीं था। गाइस सड़कों के आधे से ज्यादा हादसे औरतों की वजह से होते हैं, कभी सामने वाली औरत गलत चला रही थी, मैंने तेरे पे कैमरा ही डाल दिया। गाइस ये वाला हादसा इस औरत की वजह से होने होने से टला है क्योंकि इस आदमी ने इस औरत की बात ही नहीं मानी। बात तो सही है। हमें अपनी रियलिटी दिखानी होती है, अभी आप रियल में ऐसे ही दिख रहे हो, गोलू मोलू डोरेमोन जैसे, तो ऐसे ही दिखो। रियलिटी में जो सेलिब्रिटीज को तुम फॉलो करते हो ना, मैं तो नहीं करती भाई, सभी करते हैं, मैं तो नहीं करती। फॉलो का मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं, मतलब देखते अच्छा। हो कि ये सेलिब्रिटीज हैं। ठीक है, समझिए वो तो फिर पता नहीं कैसे कैसे तैयार हो गए थे, उनकी तो भी रियलिटी घर में तो कच्चे पाके घूमते होंगे। क्या बात कर रहे हैं, मैं वही तो बोल रही हूँ, मैं तो कभी कुछ बोलती ही नहीं हूँ, आप बोल रहे हो कि मैं गंदा लग रहा हूँ, मेरे को तो आप अभी भी बेस्ट ही लग रहे हो। यार ये कितनी ऑसम है, आपने बोला कि मैं गंदा सा लग रहा हूँ, मुझे ऐसे क्यों? देख हो गया ना, तेरी बात उल्टी पड़ गई तेरे को है मेरा बच्ची। नहीं मैं उल्टी नहीं पड़ी, मैं थोड़ा ब्लश कर गया कि मैं आपको अभी भी अच्छा ही लगता हूँ, तो इसका मतलब बाकी सब लड़कियों को मैं अच्छा ही लगता हूँ। नहीं वो तो मेरी नजर है ना, मैं बीवी हूँ, मुझे तो अपना पति अच्छा लगेगा ही, लेकिन ये शक्ल ऐसी बाल ये लड़कियों को नहीं अच्छे लगेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता वो लड़कियाँ भी मुझे उसी नजर से देखती है जिस नजर से मुझे तुम देखती हो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और नीचे सोसाइटी में चल रहा है फंक्शन और हम एंटर होने वाले हैं, और ये हम रखेंगे सबसे पहले राइट लेग, रखो, यस गुड। हे भगवान, ये तूने पैर दिखाया, इसमें नहीं दिखाया, दिख गया होगा यार, मैंने एंगल नीचे करने की कोशिश करी है, आई होप कि तुम्हें दिख गया हो, सिंपल दिख रहा होगा। नहीं पहले नीचे करा था भाई बीच में। एक तो ये बंदा अभी फ्लैट बहुत गंदा हो रहा है, देखो
थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जुबान के जैसा। तो अभी यहाँ पर अभी जब हम आए तो हमें पता चला कि उन्होंने लाइट का कनेक्शन नहीं करा हुआ है, तो भैया अभी लाइट का कनेक्शन कर रही है, स्विच बोर्ड वगैरह खुला पड़ा है अभी, तो वो इतना कनेक्शन कर देंगे कि हम पंखा चला के सो पाए। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू से क्लीन कर दूंगी और एक गद्दा डाल लेंगे कि हम आज की रात बिता पाए। उसके बाद हम कल से इस फ्लैट को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग टास्क। आई नो और मैं अभी उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने थोड़े दिन में मम्मी को बोला है कि फ्लैट का थोड़ा सा काम हो जाए तो आप प्लीज आ जाना और इसको सेट करवा देना, क्योंकि मैं अकेले बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी ये वाली। तो गाइस आप भी आकर, क्योंकि मैं अकेली ही हूँ। हाँ। ये तो करने नहीं वाला कुछ काम, ये सिर्फ ये करेगा काम। तो गाइस आप भी आकर थोड़ा सा काम करवा दो हमारे साथ, जो ब्यूटीफुल गर्ल्स घर का काम करना जानती है और ऑल राउंडर गर्ल्स जितनी है जो प्यार भी करना जानती है और घर का काम काज भी जानती है, उन सबको ज्यादा नहीं हो रहा आज। तो गेम बजाना पड़ेगा है? आज, नहीं आज की ब्लॉग का टेंशन रखते हैं, मेरा पति हुआ ठरकी। खैर अभी भी मेरा पॉइंट तो वैसा का वैसा ही है कि ही इज गुड फॉर नथिंग, काम तो ये करवाने नहीं वाला है। मैं आपको एक हल्की सी स्नीक पीक देती हूँ, एक वॉल की सिर्फ हल्की सी दूंगी। ओके ये देखो, ये हल्की सी स्नीक पीक दे दी है मैंने, बाकी दिखाएंगे बाद में। तो गाइस हमारे फ्लैट की लाइट तो जल गई है, ये रहा शिवम का स्टूडियो, थोड़ा सा आपको दिखा भी दिया हमने लाइट जला के। इस बार हमने स्टूडियो का कलर भी चेंज कर दिया, अब ग्रे ब्लैक हो गया, पहले वाइट और ब्लैक था। ये सब कुछ गंदा गंदा है, यहाँ पे सब क्लीन होगा, तो बाहर पेंट। और मेरे हाथ में देखो क्या है, झाड़ू और डस्ट पैन, अब हम करेंगे क्लीनिंग। वूहू, व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर वाइफ, शी इज क्लीनिंग योर स्टूडियो टू स्लीप बट दिस इज रियली रियली बहुत अच्छी बात। हस्बैंड इज डूइंग नथिंग एज यूजुअल, गुड फॉर नथिंग हस्बैंड। सॉरी गाइस माय इंग्लिश इज लिटिल टाइट बट आई कैन फाइट विद हर इन इंग्लिश। देख अभी के लिए इतना सफाई बहुत है। अरे टेक्सचर कितना अच्छा हो गया, बाहर पेंट चल रहा होगा तो पूरा अभी तो ये सब क्लीन हो रहा है, ग्लास की बैंड बज गई। बहुत काम है भाई, बहुत काम है। अगर अब तुम लोग कहोगे ना कि व्लॉग्स इतने लेट क्यों आ रहे, तो समझ जाना कि हम बहुत काम में बिजी हैं फ्लैट पे, इस वजह से। गाइस ये थोड़ी सी नल्ली है क्योंकि इसने स्टार्टिंग में बोल दिया कि अगर व्लॉग, समझ जाना व्लॉग लेट क्यों आ रहे हैं। मैं तो नहीं ऐसा बोल रहा, मेरे हिसाब से तो व्लॉग हमेशा टाइम पे आएंगे। ठीक है फिर, अगर गाइस अगर मैं व्लॉगिंग ना कर पाऊँ तो आप समझ जाना कि शिवम भैया नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं आ रही है, मैं तो करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये ही भाई साहब कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं हो रही ताना, ऊंची आवाज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सही हो, ये फर्स्ट चीज। मेरी आवाज ही ऊंची, ऐसा नहीं है। अभी आप नीचे आवाज में बात कर रहे थे, अब एकदम से आप फंस गए या मैंने आप पे ब्लेम डाला कोई। यहाँ पे बिग बॉस नहीं चल रहा है, ओके स्टूपिड मेंटालिटी सबसे ज्यादा यही कहती है। कभी भी आपके आगे ऐसे लोग होंगे तो समझ लेना वो स्टूपिड है, कि अगर कोई डिस्कशन चल रही है ऊंची आवाज में बोलना, ऐसे झाड़ू मुंह पे टच करना या कुछ हाथ चलाना, इसका मतलब इन्हें लगता है कि हम हार रहे हैं कॉन्वर्सेशन, तो जीतने के लिए ऐसी गंदी हरकत करते हैं, नीच घटिया लोग, घटिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टाइम फ्लैट की हालत है कैसी और हम कहाँ पर अभी सोने वाले हैं, ठीक है। तो अभी कुछ ये हालत है फ्लैट की पूरे उसकी, ठीक है। अभी रूम भी दिखा देती हूँ, एक रूम तो लॉक्ड है, ये भी पूरा गंदा गंदा हो रहा है ये, और हमने अब ये रूम क्लीन करा और यहाँ पे हम सोने वाले हैं। तो ये कुछ हालत है अभी हमारी, बहुत अजीब सा फील हो रहा है बट ठीक है, दो तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, जितने भी दिन लगेंगे इस सबको ठीक करके फिर हम सेटल होने वाले हैं यहाँ पे। एक रूम ये है जो अभी लॉक था, अभी अभी खोला है मैंने इसको, इस रूम की हालत कुछ ऐसी हो रखी है। चीख पे छोटी सी पप्पी करनी, नहीं मुझे नहीं करनी। तो गाइस अभी हम लोग ये ज़्यादा चेप मत हो, मैं ऐसा मैं मुंह पे चप्पल मार दूँगी। अभी हम लोग फ्रेशन अप होके अभी बैठे हैं अपना गद्दा वद्दा सेट करके, और जो आपको ये नौटंकी दिखा रहा है ना, ये ऐसे करके ये क्यों दिखा रहा है ये भी बता दे। हमारी लड़ाई हुई है अभी बहुत तगड़ी। आज हमारी फर्स्ट नाइट है यहाँ पे और हमारी फर्स्ट नाइट पर ही इतनी तगड़ी लड़ाई हुई है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं, और मैं रोई भी हूँ इसीलिए आपको इतना ज्यादा मेरा वैसा लग रहा। रोई हूँ बता दे किस लिए, मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने इसके हाथ पे चक्की मार दी तो रोने लग गई। भाई इसने इतनी जोर से मतलब वायलेंस हुआ है अभी लिटरली। वायलेंस क्या भाई, खुद बात सुनो, बहस कर रही है हर चीज में,
किस चीज मैं बहस नहीं कर रही थी, मैंने सिर्फ इतना सा बोला कि गेट बाहर से लॉक करके जा, चाबी मेरे माइकल में पड़ी है वहां से निकाल ले। माइकल में मतलब बैग में, मेरे बैग में पड़ी है वहां से निकाल ले। तो इसको चाबी नहीं मिली, ये ढूंढे जा रहा है इतना सा बैग, इसको उतने से बैग में चाबी नहीं मिली। तो मैंने बोल दिया आंखें या बटन। फिर क्या हुआ? तो बस भाई क्या क्या तमीज है, कह रही आंखें या बटन। मैंने कहा तमीज में बात कर, मेरे साथ फालतू बात करने की जरूरत नहीं, मैं निकल गया बाहर। अच्छा नहीं एक मिनट, फिर जब इसको तब भी नहीं मिली, फिर मैं आई, मैंने अपना बैग ऐसे पकड़ा, मैंने ऐसे करके चाबी निकाली और इसे देके चली गई। एक सेकंड भी नहीं लगा मुझे चाबी में, इसकी आंखें है ही नहीं, इसकी है ही बटन, बस मैंने एक रियलिटी बताया और ये चिल्ला दिया मेरे ऊपर। फिर हम आई तो बस उसके बाद भी इसने मुझे मनाया नहीं, मैं नाराज था फिर भी, तो मुझे गुस्सा रखा था। मैं मना रही थी, मैं अपना मैकपफ दे नहीं रही थी आपको खिलाने के लिए। वो उससे पहले का बता, उससे पहले का वो लास्ट का मतलब 20 मिनट तक हमने एक दूसरे से बात नहीं करी, हम इधर से उधर घूमते रहे, हमने अपना फेस वॉश वगैरह ये सब किया। लेकिन फिर मैंने इसको जाके, इसने मुझसे आके बात करने की कोशिश करी, मैंने तब भी ज्यादा बात नहीं करी, लेकिन मैंने इसको अपना मैकपफ बाद में ऑफर किया। पूरी बहस हम बहसी के बाद, मुझे गुस्सा आया, मैंने इसके हाथ पे नहीं लिया, इसने मेरे हाथ पे इतनी जोर से चक मार दिया और ये रोने लग गई भाई बहुत तेज। फिर ऑब्वियसली लड़के समझ रहे होंगे लड़की रोने लग जाए, फिर उसके बाद क्या फर्ज बैठता है लड़कों का, चुप कराना, सॉरी बोलना और लड़ाई वहीं हो जाती है समाप्त। अच्छा तो यही हुआ, फिर उसके रोने के बाद लड़ाई समाप्त। ना मेरी गलती ना उसकी गलती, पता नहीं किसकी गलती, शायद मेरी गलती, और बात हो गई खत्म। इसने कुछ काम नहीं करा, झाड़ू आके मैंने लगाई, बेड मैंने बिछाया, चद्दर मैंने बिछाई, पिलोज मैं निकाल के लेकर आई, चद्दर में लेकर आई, सब कुछ मैंने किया। बस मैंने इतना बोला कि बाहर से चाबी लॉक करके जाइए, बस चाबी ढूंढनी थी इसको एक छोटे से बैग में। गाइस सुनो, इसने क्या क्या करा, पिलो ये लेकर आई, चद्दर ये लेकर आई, चल कर आई, मतलब एक छोटी सी चीज, पिलो एक मिनट, पिल्लो और चद्दर एक बारी में आई होंगी तो इसने दो बारी में गिनवाई। वो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली चद्दर और ये वाला पिल्लो एक साथ आया, फिर ये वाली चद्दर ओढ़ने वाली बाद में लेकर आई मैं, जो भी है। बट ये बट ये चद्दर ये बहुत, ये देखो कितना भारी सामान लेकर आई, ऐसे गिनवाती है लड़कियां ना, पिल्लो लेकर आई, चद्दर लेकर आई, झाड़ू लेकर आई, झाड़ू लगाई, इतनी देर में तो झाड़ू लग भी जाती, इतनी देर में तूने बात बताई, लगा लेते फंस गया। क्यों नहीं किया भाई, फोन पे बात कर रहे थे तुम। मैं सुअर के जैसे, मैं सुअर के जैसे ड्राइवर बन के 3 घंटे गाड़ी चला के आया, मैं भी गिनवाऊं, मैंने ब्रेक लगाई, फिर मैंने क्लच दबाया, फिर मैंने ब्रेक चेंज, वो गियर चेंज करी, फिर आगे ट्रैफिक आ गया था तो मुझे रोकनी पड़ी, फिर मैंने पेट्रोल भरवाया, फिर हम चले, फिर 3 घंटे तक मैं बताऊंगा, क्योंकि 3 घंटे लगे पहुंचने में। ये ऐसे बताती हैं लड़कियां, एक इतनी चीज को इतनी बताती हैं, मैं भी बता दूं लेकिन मैं कलेशी जनानी नहीं हूं ना इसकी तरह। आपको पता लग रहा होगा जो कितना बोल रहा है कि कौन है कलेशी जनानी और कुछ कौन नहीं है। कुछ नहीं, इसे चक लग गया या रोने लग गई, बात खत्म होगी, नहीं तो आज मेरा 1 घंटे का और कलेश करने का मन था। खाओ मां कसम। वो बस ठीक है, आपसे मैं भी यही करा करूंगा, रोना शुरू कर दूंगा और कलेश खत्म। फिर भी सॉरी नहीं बोलने की, ये कहेगी कैसा वो है, क्या रो रहा है, क्या क्या कैसा क्या है, कुछ नहीं, वो थोड़ा फिल्मी वर्ड आ गया था ना मर्द। गाइस ठीक है, वी लव यू, बहुत मजा आ रहा है आप सबके साथ। इस गाने का कह रहा हूँ, इस व्लॉग का जो टाइटल है, तो इसने इधर से करा हुआ है, इस रूम में सारी लाइट्स नहीं चल रही, इधर से लाइट पड़ रही है, लोगों ने देख रखा है हमें, मेरी तो असलियत देख रखी है। हाँ इसकी असलियत तुम्हें दिख जाएगी, तो खैर अब लाइट चेंज है तो सबको दिख जाएगा कि तू तो कोई हीरोइन नहीं, तू तो सूप नखा है। I am no one वो होता है ना जो चश्मा लग जाता है स्लो मोशन में। ओके गाइस, शिवम की बकबक बहुत हो गई है, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, हम लोग बहुत थक गए हैं, कल बहुत सारा काम करना है। बाय, लव यू, टेक केयर। अब मैं कलेश कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके बाय बाय, आजा लड़े, चल चल चल।